स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले आप सभी आ गए हैं तो आप सभी की मेरिट लिस्ट आ गई है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां से आपको जाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में क्या करना है, यहां पर आपको आपके मोबाइल में यहां पर यह सर्च करना है एमपी ऑनलाइन। ठीक है, एक एक चीज़ बता देता हूँ, आप इसको पीडीएफ बाद में आपके काम में आएगी। यहाँ पर एमपी ऑनलाइन सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा वीडियो शेयर कर दो जिधर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एमपी ऑनलाइन का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर नागरिक सेवाओं में जाओगे तो यहाँ पर आपको काउंसलिंग पर जाना है। जैसे आप यहाँ पर काउंसलिंग पर जाओगे तो ये डीएमई पर आप क्लिक करोगे, जैसे आप डीएमई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये यहाँ से आपको ये जो न्यू आई है ना प्रीवियस अलॉटमेंट, ये आपकी पूरी लिस्ट आ चुकी है। 5-7 की दो लिस्ट आई हैं, देख लेते हैं कित कित की आई हैं ये। अच्छा, जिनको कॉलेज मिला है ना उन सभी की लिस्ट आ चुकी है, मात्र 104 जनों की। अब इसमें देखना है, और ये जो लिस्ट आई है, अच्छा दो लिस्ट आई थी आपकी, ठीक है, एक है एक पेज की लिस्ट आई है और एक आई है आपकी 211। मतलब टोटल मिलाकर मैं आपको अब पूरा बताऊंगा, ठीक है, टोटल मिलाकर आपके जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है ना उनकी लिस्ट बिल्कुल आ चुकी है। ये एक नंबर की जो आई है ना, ये एक पेज, मतलब कुल मिलाकर कितने कॉलेज कितने जनों का हुआ है ये लिस्ट पूरी आ चुकी है आपकी। तो मैं आपको यहाँ से पूरा बता दूंगा, टेंशन ना लें, वीडियो थोड़ा सा शेयर कर दें। चलिए अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक ये पेज मिला होगा, यहाँ पर आपको ये है, इसमें जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है ना ओबीसी टोटल अलॉटमेंट एक 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 एमपी, हाँ 30, अच्छा इन सबको कॉलेज मिल गया है, 104 जनों को कॉलेज मिला है और पूरा जो टोटल हुआ है वो हुआ है आपके कितने जनों ने ये करे थे टोटल आपके, कितने जनों ने काउंसलिंग कराई थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 201 टोटल आपके 6603 जनों ने काउंसलिंग करवाई थी। आपके रोल नंबर और ये सब मुझे सेंड करो तो, और जिन जिन का हो गया है ना वो सभी मुझे रोल नंबर और ये सेंड करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा करना, अब जो जो हो गए हैं ना वो सभी अब मेरे से, अब मैं आपका एक एक का देख लेता हूँ। सबसे पहले तो ये लो, यहाँ पर ही सर्च कर लेते हैं एक पेज वाले पर। चलिए मैं पहले तो आप सबके कमेंट देख लेता हूँ क्या क्या आ रहे हैं आप सभी के। जी 104 जनों का सिलेक्शन हुआ है टोटल मिलाकर। अब ये सब अलग अलग, किसी के 30 पे हो गया किसी, अब आप जिन जिन क्या हो गया ना वो मुझे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर सेंड करेंगे, क्या करेंगे नंबर सेंड करेंगे मुझे व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर आप सभी नंबर सेंड कर देना, इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा और सब कुछ दे दूंगा। और जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए आप सब अपने अपने रोल नंबर बताओ तो मुझे सेकंड काउंसलिंग भी होगी, सेकंड काउंसलिंग भी होगी, टेंशन ना लें, ठीक है, सेकंड काउंसलिंग भी हो जाएगी। मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, ठीक है। अब बहुत सारों का हो गया है सर, मेरा हो गया है ये, आज तो बहुत सारों का हो गया है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं,
अब मैं पहले तो जिन जिन का हो गया है उनका देख लेता हूँ एक बार, और मैं भी देख लेता हूँ। कंट्रोल F 210 76 937। देखो यहाँ से जिनका हुआ है 210 76 93। कॉलेज ऑप्शन BSc। अच्छा यहाँ पर तो उन्हीं का नाम आया है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑप्शन ऑप्शन ये एक लिस्ट 30 104 जनों टोटल का हुआ है, और जो लिस्ट आई है ना ये 201 नंबर पर यहाँ पर अपन को सर्च करना पड़ेगा। देखो जिन जिन का हो गया है वो मैं बता देता हूँ, 210 76 937। ये देखो इनका हो गया है। एक और का देखो, ये यहाँ पर जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये यहाँ पर ये देखो 210 77 976 937, 210 77 937 सोनाली का हो गया है। और इनका जो यहीं से हुआ है 65 नंबर आए थे इनके, 65 और 1507। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, पहले नंबर से आपको एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी। ये जो PDF है इसमें मेरिट रैंक आएगी एक, फिर आपकी PEB की रैंक आएगी है ना, थोड़ा सा छोटा करें, फिर PAB की मार्क्स आएंगे, फिर रोल नंबर आएंगे, फिर आपका कैंडिडेट का नाम आएगा। 140 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए क्या? हाँ 104। फादर का नाम आएगा, यहाँ पर स्टेट आएगा, और यहाँ पर आएगा एलिजिबल, और यहाँ पर जो आएगा कॉलेज का नाम आएगा। ठीक है, अब आपके एक एक के रोल नंबर झुमके देखना है, वो मुझे मैसेज कर देना। वाह यार, जिनका भी हो गया ना। चलिए अब बताएं, ST से हूँ, अब आपके रोल नंबर बताओ तो मुझे दुर्गा के देख लेते हैं। रुको, दुर्गा के रोल नंबर क्या है? 210 78 77 210 7998। नॉट अलाउडेड आ रहा है, ये आ रहा है नॉट अलाउडेड, दुर्गा दुर्गा। ये यहाँ पर दुर्गा कहाँ है? Ctrl+F करेंगे, 210 9 दुर्गा फूलदास, इसके नंबर आए थे 61। और ये कौन सी कैटेगरी में है? ये OBC में भाई नहीं हुआ, OBC में इनका नहीं हुआ, मतलब 61 पे OBC वालों को नहीं लिया। देखो यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से सबका हुआ है, SC वालों का कम में हो गया, OBC वालों का, उनके हिसाब से उन्होंने सबको सिलेक्ट किया है, कॉलेज दिए हैं। इसके बाद अब जो एक और लिस्ट आएगी है ना, एक और एक पेज वाली लिस्ट आई है तो उसमें नाम नहीं आए, इसके बाद आपकी एक और लिस्ट आएगी, एक लिस्ट और आएगी उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक PDF दी थी, उस PDF में किस किस, चलिए एक और हैं क्या किसी के रोल नंबर? और रोल नंबर हो तो बताओ, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। इसके कोई बता रहा क्या रोल नंबर? के वीडियो ही बंद हो गया। 210 90 627। एक मिनट हो, 210 90 627। निकिता, ये नॉट अलाउडेड निकिता भी, और कौन है? 210 67 911, 210 67 911, ये नॉट अलाउडेड है ये भी। और क्या, और किसके हैं? 210 51 30। चलिए ये भी देख लेते हैं, थोड़ा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। ये भी नॉट अलाउडेड है भाई, 48 नंबर आए इनके। सेकंड लिस्ट, अब इसके बाद सेकंड काउंसलिंग चालू हो जाएगी। देखो रैंक आपकी PEB से 630 थी, आप जनरल वाले हैं, तो इन्होंने क्या किया, पहले जनरल वाले को लिया होगा, फिर SC ST फिर OBC, फिर ऐसे करके इन्होंने इनके हिसाब से सेटलमेंट कराया। 210 57 756, 210 57 756, इसलिए नहीं लिया, नॉट अलाउटेड है। ऋचा उपाध्याय भी 65 नंबर पे भी।
हाँ उसमें उसमें हाँ वो एक और लिस्ट आई है, पर उसमें ये नाम नहीं आया है। एक मिनट हो, ये जो एक और आई ना 104 नंबर की, देखो ये बता देता हूँ मैं आपको, ये भी बता देता हूँ एक 2 मिनट में, है ना। ये जो एक और आई है 104 नंबर वाली, वो आपको बता देता हूँ। ये हैं, पर इसमें कोड आए हैं, फिर इसमें टाइप आई है। ये सब गवर्नमेंट कॉलेज की थी, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की थी ये सभी। ये लिखा हुआ है यहाँ पर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज की थी ये सभी जो आपने अभी करवाई ना, ये इंदौर भोपाल, इंदौर ग्वालियर सोलन, इंदौर भोपाल, इंदौर BSC। अच्छा, ओपनिंग मेरिट रैंक, क्लोज मेरिट रैंक, पी बी ऑनलाइन रैंक, पी बी क्लोजिंग है, ओपनिंग पी बी रैंक, काउंसलिंग पी बी रैंक, कैंडिडेट ST, टोटल अलाउड है 1, MP ऑनलाइन। अच्छा, MP वालों को लिया है सभी को, और मेरे को लग रहा है इन्होंने क्या लिया है 30, 34, 36, 41, 44, 44, ये जो जो कैंडिडेट है ना उन सभी को ले लिया है। पर इसमें जो एक रोल नंबर होगा वो पीछे देखना पड़ेगा। ये 104 जनों की एक लिस्ट आई है, पर इनमें इन्होंने नाम और कुछ भी नहीं दे रखा है। चलिए 5-7 ये देखना पड़ेगा। इससे पहले अपन इसमें देख लेते हैं ना, 65, 47, 6937, 1 मिनट हो, 6937 यहाँ से हुआ है ना तो पता चल जाएगा, 6937। ओपनिंग मेरिट रैंक, क्लोज मेरिट रैंक। अच्छा, यहाँ से 6547, ये भी देखना पड़ेगा। चलिए और बताएं किसका है क्या, रुको 1 मिनट, सबके देख लेते हैं। इस बार इन्होंने सब गड़बड़ कर दी, इस बार PNST वालों ने। लाओ दो अपने तो रोल नंबर चेक कर लें, जिनका हो गया होगा आगे नाम आ जाएगा। लाओ बोलो। सब्सक्राइब भी करते जाना चैनल को, और जो नई जानकारी आती जाएगी। चलिए और है क्या किसी का, आपका हुआ है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो क्या करें, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो वापस से अच्छी सी तैयारी करें, ठीक है। जिनका नहीं हुआ है ना वो वापस से क्लास अटेंड करें, मेरा तो ये मानना है, क्योंकि अगर तैयारी करोगे तो नंबर अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए और किसके का सेकंड राउंड होगा क्या, हाँ सेकंड राउंड भी होगा, बिल्कुल होगा सेकंड राउंड, सेकंड राउंड भी होगा। मुझे आपके रोल नंबर सेंड करो। अब किस किस का सर प्लीज़ बताओ, अभी गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग होगी ना, कहाँ अभी तो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज दे रखी है, अब देखो क्या हो। चलो इनका देख लेते हैं और कौन कौन है, 210, 62, 622, 210, 62, 622, नॉट अलॉटेड। और कौन है, 210, 60, 888, 60, 888, ये भी नॉट अलॉटेड। और है क्या कोई, 210, 47, 593, शिवानी बघेल, ये भी नहीं हुए हैं। और कोई बचा क्या, सेकंड राउंड कब होगा, सेकंड राउंड बस अब स्टार्ट होने वाला है, सेकंड राउंड अब स्टार्ट होने वाला है। सेकंड राउंड अब स्टार्ट होने वाला है, सेकंड राउंड इसके बाद, हमने फर्स्ट में काउंसलिंग नहीं की है। हाँ जिन्होंने देखो
अब जिन्होंने अभी काउंसलिंग, देखो आज ना तो लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, क्या बात है? सब्सक्राइब तो करो कि नहीं करो? 200 210 76 556, 210 76 556, जिनको नहीं देख पाया ना वो मुझे व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पर, मैं बाद में देख लूँगा। ये भी नोट अलाउटेड बता रहा है भाई, ईश्वरी। और कोई है? देखो जिनके रोल नंबर अभी चेक नहीं कर पाया ना वो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देना, पीडीएफ भी दे दूंगा, क्योंकि ये पीडीएफ आपको बाद में देखनी पड़ेगी, ये सारी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड करूंगा। है ना? ठीक है, चलिए। और कोई सर मेरा कमेंट? जया चौधरी। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से सिलेक्शन हो गए हैं 20, 20 जनों ने तो अभी मुझे व्हाट्सअप कर दिया है कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो उन सब का मैं लास्ट में आपको बता दूंगा। लास्ट में आपको मैं इसका बता दूंगा। सर निकलिए, पैसे पहचान नंबर की वीडियो सेंड करिए। हाँ, 104 वाली भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, जिन जिन को, हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना, मैं दोनों पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। है ना? और जिन्होंने तैयारी नहीं की है, हाँ, साक्षी का भी देख लेते हैं, 210, जिन्होंने तैयारी नहीं की है वो अब तैयारी में लग जाओ। और सेकंड काउंसलिंग भी होने वाली है, वो भी स्टार्ट होने वाली है। साक्षी का भी नहीं हुआ, कट ऑफ बताओ सर, कट ऑफ? ठीक है, और कोई किसी को सेकंड राउंड के लिए फर्स्ट काउंसलिंग करेंगे क्या? नहीं, सेकंड राउंड जिन्होंने फर्स्ट में कर लिए वो सेकंड में कर लेना, जिन्होंने फर्स्ट में नहीं की ना काउंसलिंग वो सेकंड में कर लो ना। ऐसा नहीं है 810 पूरे सीट हैं, ऐसा थोड़ी है। अरे 100 मतलब 6000 में से 104 को ही सिलेक्ट किया उन्होंने के, अब इस महीने के लास्ट में। सर 30 नंबर वालों का कैसे हो सकता है? वो इसके बाद पता चलेगा, आप जो लास्ट काउंसलिंग आएगी ना इसके बाद पता चलेगा। अभी एक और काउंसलिंग आने दो, इसके बाद लास्ट मेरिट लिस्ट आने दो, उसका पता चल जाएगा। सर मेरा 54 मार्क्स हैं तो हो सकता है? नहीं हुआ ही नहीं, इसमें क्या बता रहा है? नहीं हुआ, साक्षी का तो नॉट अलाउटेड बता रहा है। लिख देना मुझे, मतलब सर ओनली 104 सीट ही फुल हुई है। हाँ 104 ही हुई है फुल सीट, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखो इसके बाद जो लास्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो आज कल में फिर वापस आ जाएगी, एक और आएगी आपकी, एक और लास्ट, जिसमें उनका नाम है ना सभी कुछ रहेगा, जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है ना उन सभी का नाम और सब रहेगा। सर चलो आपका भी देख लेते हैं, और जिसका देखना भी देख लेना, 210 910 20, 210 210 920, जिन जिनका हो गया अच्छी बात है। नॉट अलाउटेड नहीं हुआ इनका, निकिता का, निकिता का भी नहीं हुआ। और कुछ देखो, ST वाले, SC वाले, OBC वाले और जनरल वाले और EWS, इन तीनों वालों का अलग अलग उन्होंने कैटेगरी सेंड की है ना, तो अब ये व्यापम है ना, तो व्यापम के हिसाब से उन्होंने सेंड सभी को ये किया है, सभी को इन्होंने व्यापम के हिसाब से ही ऐड किया है। अब जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई है, एक और लिस्ट आज या कल तक आ जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है, एक लिस्ट और आएगी।
एक लिस्ट और आएगी। निकिता चौधरी क्या पूछ रहे हैं, पूछो। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो सभी। देखो, सबसे पहले तो आपको इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करने की बोल रहा हूँ कि जो भी आपको न्यूज मिलेगा वो सब मिल जाएगा, क्लास, पीडीएफ, सभी कुछ। अब टाइम वेस्ट ना करें, और जिन्हों को लगता है कि मेरा अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है और अच्छी सी तैयारी करनी है, तो वापस से तैयारी करने में लग जाएं। मैं आपको उन 30 जनों के नाम बताऊंगा जो सिलेक्शन हो चुके थे, और वो उन्होंने यहाँ से पढ़ा था मात्र कितने, मैंने भी पहली बार ही पीएनएसटी की क्लास पढ़ाई थी 3 महीने से पहले, मतलब 2 महीने उन्होंने क्लास लगाई थी और एनसीईआरटी की 12वीं की क्लास बुक पढ़ी थी, है ना। सभी के स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जो जो सिलेक्ट हो गए उन सभी के, है ना, तो उनके भी अच्छे नंबर आ गए। अब कट ऑफ का बारे में, एक और सेकंड राउंड होगा उसके बाद ही पता चल पाएगा। हेलो हेलो, अभी जो सेकंड राउंड होगा ना उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितने क्या गए हैं। तो वापस से पीएनएसटी की एग्जाम आने वाली है, तो जो तैयारी में है तो इस नंबर पर मुझे यस लिख देना, और कट ऑफ भी आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कट ऑफ के बारे। हेलो, हाँ, नहीं आएगा। हाँ, जिन्होंने काउंसलिंग नहीं करवाया है ना उनका नाम भी नहीं आएगा। मैं आपको एक 10 मिनट में लगा रहा हूँ, है ना। जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया उनका नाम तो आएगा ही नहीं, है ना। 6,000 लोगों ने काउंसलिंग करवाया था। अब कौन, 210 92 906, 210 92 906, है ना। अब आपके अब नॉट अलाउडेड, इनका आरती का भी नहीं हुआ। अब देखो, गवर्नमेंट की नहीं होगी माया, अब देखो क्या हो, व्यापम की तरफ से कुछ भी हो सकता है। अब ये सेकंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद अगले महीने आपकी 99% वैकेंसी ओपन हो जाएगी, ठीक है। है ना, अब अगले महीने वापस से आपकी वापस से न्यू वैकेंसी आएगी, क्योंकि ज़रूरत है बहुत। तो जो पहली बार देख रहे हैं, अगर अच्छे से तैयारी करना चाहे, इसकी पीडीएफ मेरे से ले लेना, आराम से बैठना, और कल एक और लिस्ट आने की है, ठीक है। कल एक और लिस्ट देख लेना, और किसी का कोई देखना तो नहीं है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सर मेरा देख लो, आपका भी देख लें, जिन जिन का देखना है बता दो, अभी देख लेता हूँ। 210 9 210, और एएनएम की भी बहुत जल्दी आने वाली, 50 717। जिन जिन का देखना है ना, नॉट अलाउटेड, वर्षा, जिन जिन का देखना है वो रोल नंबर बताओ मुझे जल्दी से जल्दी। और जिन जिन का, हाँ, और जिन जिन का सिलेक्शन हो गया है वो मुझे भी इस नंबर पर जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ ना, ये 9753749986 पर मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ से सेंड कर रहा हूँ, इस नंबर पर आप मुझे पीडीएफ के लिए मैसेज कर देना। चलिए, और किसका, सर मेरा नाम सीमा साहू, बताएं रोल नंबर बताओ। हाँ बताएं, वाह। और किसका देखना, ओबीसी गोत्र लास्ट, हाँ देखते हैं अभी पता चलता है। और 210 810 83, 210 810 83, रेशमा का भी नहीं हुआ। चलिए, और कोई, 210 92 291, और ये भी देख लेते हैं, 210 92
210 92 कहाँ गए, 210 92, एक मिनट हो, 210 92 291, जिन जिन का देखना है बता देना, इनका भी नहीं हुआ, कोमल का। और कौन है, 210 80 295, 210 80 295, इनका भी नहीं हुआ। चलिए और कोई, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, और इसकी पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना है, ठीक है। मैंने आपको नंबर दे दिए 9753749986 पर। चलिए चलिए, मिलते हैं अपन 9 बजे, रात को 9 बजे वही धुआंधार क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए। ऑटोमा सर मेरा 210 85 680, और जिनका भी देखना है मुझे सेंड कर देना, मैं देख लूंगा। बस 210 85, 210 85 658, इन्होंने जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई उनका नंबर कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दिए हुए नंबर पर ये सभी रोल नंबर मुझे सेंड कर देना, तो मैं एक एक का देखकर बता दूंगा, ठीक है। और इस दोनों की पीडीएफ भी मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और वापस से अच्छे से तैयारी में लग जाए सब।